Good morning, students. Welcome to CR International Online Study System. Today we will discuss about the question answers of chapter number 3. और chapter का name है Our Changing Earth. ठीक है, last assignment में हमने कुछ questions को discuss किया था. आज हम उससे आगे के question discuss करेंगे. How are beaches formed? Beaches होते हैं पुलिन. कि समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? The sea waves deposit sediments along the shore forming beaches. Sediments क्या होते हैं? अवसाद. और shore क्या होते हैं? तट. Sea waves यानी कि समुद्र की जो तरंगे होती हैं, deposit sediments, वो अवसादों को जमा कर देती हैं along the shore, तट के पास, forming beaches, जिसके कारण समुद्री पुलिन का निर्माण होता है. मतलब समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद को जमा कर देती हैं, जिससे समुद्री पुलिन का निर्माण होता है. सी के क्वेश्चन नंबर 23, सी केव्स आर टर्न इनटू स्टैक्स, व्हाई? कि जो समुद्री गुफा है वो स्टैक में बदल जाती है, कैसे या क्यों, हमने वो बताना है. सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक. जो सी वेव्स हैं यानी कि समुद्री तरंगे हैं, वो लगातार शैलो से टकराती हैं. स्ट्राइक मैंने टकराना. क्रैक डेवलप्स, जिसके कारण उनमें क्रैक यानी कि दरारें विकसित हो जाती हैं. ओवर टाइम, समय के साथ साथ, दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, वो बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं. थस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक. फिर क्या होता है? होलो लाइक, एक खोखली सी गुफा का निर्माण हो जाता है चट्टानों में. दीज आर कोल्ड सी केव्स, उसे ही हम सी केव्स कहते हैं. मतलब कि एक चट्टान पर बार बार समुद्र का पानी टकराता है, जिसके कारण उसमें दरारें पड़ जाती हैं. और जब वो दरारें चौड़ी होती चली जाती हैं, तो उसके अंदर एक खोखला पार्ट बन जाता है और वो एक गुफा का रूप ले लेता है, जिसे हम सी केव्स कहते हैं. एज द कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, और जब ये जो दरारें हैं ये और भी बड़ी और बड़ी होती चली जाती हैं, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, तो फिर सिर्फ उस गुफा की छत ही बचती है. समझ रहे हैं आप? मतलब इन गुफाओं के, इन दरारों के और बड़े होते जाने पर केवल छत ही बचती है. फॉर्मिंग सी आर्चेज, जिससे कि तटीय मेहराब बनते हैं. मतलब वो गुफा इतनी गहरी होती चली जाती है कि वो बिल्कुल आर पार हो जाती है और सिर्फ ऊपर छत ही रह जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तटीय मेहराब. फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ, और लगातार इरोजन के कारण क्या होता है? ब्रेक, टूट जाती है रूफ, उसकी छत भी. मतलब क्या है? लगातार अपरदन जो होता रहता है, उसके कारण छत भी टूट जाती है. ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, और केवल दीवारें ही बचती हैं. दीज वॉल लाइक फीचर्स, और ये जो दीवारों वाली आकृति है कॉल्ड स्टैक, इसे ही हम स्टैक कहते हैं. ठीक है बेटा, मतलब क्या हुआ? सी वेव्स जो हैं, जो समुद्र की तरंगे जब लगातार एक चट्टान से टकराई, तो उस चट्टान के अंदर दरारें पड़ने लग गईं. जब वो दरारें बड़ी बड़ी हुई, तो उसके अंदर एक खोखला पार्ट बन गया, जिसे हमने सी केव या समुद्री गुफा का नाम दिया. लगातार समुद्र की पानी उससे टकराता रहा, वो जो दरार थी, जो गुफा थी, गहरी गहरी होते हुए बिल्कुल आर पार हो गई और ऊपर सिर्फ छत बच गई, जिसे हमने नाम दिया सी आर्चेज का. ठीक है, सी आर्चिस यानी कि तटीय मेहराब. और धीरे धीरे अपरदन होते होते वो छत भी टूट गई और सिर्फ दीवारें ही बच गई, जिसे हमने स्टैक कहा. यही हमारा क्वेश्चन था कि सी केव्स आर टर्न इनटू स्टैक, कि किस तरीके से समुद्री गुफा स्टैक में परिवर्तित हो जाती है. व्हाट आर ग्लेशियर्स? ग्लेशियर्स यानी कि हिमनदी या हिमानी क्या होती है? ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस. ग्लेशियर्स जो है, जो यानी कि हिमानी या हिमनदी है, वो क्या है? रिवर ऑफ आइस, बर्फ की नदी है. व्हाट आर सैंड ड्यून्स? बालू टीबा क्या है? इन डेजर्ट. इन डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में. व्हेन द विंड ब्लो, जब पवन चलती है, इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है. मतलब लिफ्ट उठाती है उस रेत को और उसका ट्रांसपोर्ट, उसको परिवहित कर देती है. मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है. व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग, और जब वो चलना बंद करती है, द सैंड फॉल, तो वो मिट्टी जो रेत है वो गिरता है. एंड गेट डिपॉजिट इन अ लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, और एक छोटी सी पहाड़ी के रूप में गिरता है. मतलब कि क्या हुआ?
जब वह रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है और जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत जो है वो गिर जाती है और एक साथ और एक छोटी सी पहाड़ी को बनाती है। These are called sand dunes, उसी छोटी सी पहाड़ी को हम sand dune यानी कि बालू टीबा कहते हैं। Next देखिए, some rocks have a shape of mushroom, कि कुछ जो rocks शैले होती हैं वो mushroom यानी कि छत्रक के आकार की होती हैं, क्यों? यानी कि कुछ शैले छत्रक आकार की क्यों होती हैं? In desert, रेगिस्तान में wind erode the lower section of the rock more than the upper part, मतलब कि क्या है कि जो पवन है, जो विंड है, जो पवन है इरोड, वो अपर्दित करती है, मतलब काटती है लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक, शैल के नीचे भाग को, निचले भाग को ज़्यादा काटती है, मोर देन द अपर पार्ट, ऊपर के पार्ट की बजाय। मतलब पूरी की पूरी जो चट्टान है, जैसे कि मैं यहाँ एक चट्टान बना दूँ, जब पवन चलती है तो उसके जो ये है ना, इस भाग को ज़्यादा काटती है और ऊपर के भाग को कम काटती है, तो धीरे धीरे इसकी शेप ऐसी हो जाती है। समझ रहे हैं आप? ये पार्ट जो है ज़्यादा कटता चला जाता है और ये पार्ट कम कटता है। तो सच रॉक हैव अ नैरोअर बेस, और इस प्रकार की चट्टानों का जो बेस है, जो आधार है, वो संकीर्ण, देख रहे हैं, छोटा हो गया है, और वाइडर टॉप, और जो टॉप है वो चौड़ा होता है। सम सो सम रॉक हैव अ शेप ऑफ मशरूम, इसीलिए कुछ जो रॉक्स हैं वो मशरूम की शेप में होती हैं, यानी छत्रक शैल होती हैं, यानी कि जब पवन चलती है रेगिस्तान में तो वो नीचे के भाग को ज़्यादा काटती है, जिसके कारण नीचे का भाग संकीर्ण हो जाता है और ऊपर का भाग जो है उसका जो शीर्ष है वो विस्तृत रहता है, और इसके कारण जो चट्टान है वो छत्री की शेप की, एक छत्रक के शेप की हो जाती है, इसीलिए उसे हम छत्रक शैल कहते हैं। फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल गिव रीजंस, आपने बताना है कि बाढ़कृत मैदान उपजाऊ होते हैं, उसका कारण बताइए कि बाढ़कृत जो मैदान है, जो बाढ़ से जो मैदान बनते हैं वो बहुत उपजाऊ होते हैं, उसका कारण बताना है। ड्यूरिंग फ्लड्स, बाढ़ के दौरान लेयर ऑफ फाइन सॉयल एंड अदर मटेरियल, की बारीक मिट्टी की परत और दूसरे मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स, जिन्हें अवसाद कहा जाता है, आर डिपॉजिट ऑन द रिवर बैंक, उन्हें नदी के किनारों पर डिपॉजिट कर दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? ये बारीक मिट्टी और जो दूसरे मटेरियल जो नदी अपने साथ बहाकर लेकर आई थी, उन्हें नदी के आसपास के मैदानों में जमा कर दिया गया, और जो ये बारीक मिट्टी है और जो मटेरियल है ये बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ होते हैं। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, और इसी के कारण एक उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। बेटा आपको इन सभी क्वेश्चंस को फेयर नोटबुक में लिखना है, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम के। मैंने आपको इस असाइनमेंट में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करवाया है, तो आपने पहले इन क्वेश्चंस को लिखना है फेयर नोटबुक में और फिर इन्हें लर्न करना है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.